हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। यहाँ पे मैं आ गई हूँ मार्केट में और ये शाम का समय है, तो शाम को मैं आई थी मार्केट में सामान खरीदने के लिए। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, त्योहारों का समय है और इस समय पे मार्केट एकदम फुल ऑफ फुल चल रही है और बहुत ही अच्छे अच्छे प्रोडक्ट भी आए हुए हैं। तो मैं आई थी कुछ देखने के लिए, क्या पता मेरे घर का भी कुछ हिसाब से मिल जाता। वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लॉग, संतोष वर्मा ब्लॉग। बड़ी बहनों को राधे राधे, बच्चों को ढेर सारा प्यार और बड़ों को चरण स्पर्श। और यहाँ पे डिब्बों के, किचन के जो डिब्बे होते हैं, एक से एक वैरायटी थी। बहुत ही अच्छे अच्छे डिब्बे आए हुए थे यहाँ पे, और ट्रांसपेरेंट भी थे, कलरफुल भी थे, और प्लास्टिक के भी थे और कांच के भी थे। जो कांच की शीशियाँ होती हैं बड़ी बड़ी, वो भी थी। तो इस तरह के काफ़ी सारे हिसाब के जार आए हुए थे और बहुत ही अच्छा अच्छा सामान आया हुआ था। तरह तरह की बास्केट आई हुई थी, तो मुझे तो काफ़ी अच्छा सामान लगा। लेकिन मुझे जो ज़रूरत की चीज़ थी वो यहाँ पे मुझे दिख नहीं रही थी। और अभी मुझे खाली देखना था, मैं ख़रीदने नहीं आई थी, ये देखने आई थी कि अभी क्या मार्केट में नया आया है। तो ये देख लिया है मैंने और मुझे कुछ नया ये दिखाई दिया, तो मैं आपको दिखाती हूँ ये क्या चीज है। ये है जो छोटे छोटे कंटेनर होते हैं ना, ये एक के अंदर एक के ऊपर, हाँ सॉरी, एक के ऊपर एक चिपक जाते हैं, मतलब लॉक हो जाते हैं अंदर जाके। तो इस तरह के ये कंटेनर थे, छोटे छोटे थे, और इसमें हम निक नैक के सामान भी रख सकते हैं और अपने किचन में छोटा छोटा आइटम जो होता है ना, जैसे काली मिर्च, लौंग, इलायची, सौंफ, धनिया, ऐसा जो सब चीज़ें होती है ना, उन्हें भी हम स्टोर करके और एक के ऊपर एक करके स्टोर कर सकते हैं। और सबसे बढ़िया बात इन डिब्बों की क्या थी कि ये गिरेंगे भी नहीं, तो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छे यही लगे थे। और ये इन सारी चीज़ों में मुझे सबसे नया लगा था। अभी तक ये वाला माल आया नहीं था यहाँ पे, तो मैंने ख़रीदा भी नहीं था। जब भी आता है ना, तब मुझे पता लग जाती है, क्योंकि ये चीज़ें जो है ना, सब मेरे घर के आसपास में ही हैं और मैं छत पे से भी दिखा हूँ ना, तो देख लेती हूँ। तो इस तरह से मुझे सब पता लगता रहता है। और वैसे भी जो भैया हैं, उनसे भी मैं पूछ लेती हूँ, भैया कब तक नया सामान आएगा, तो बता देते हैं 8 दिन में 10 दिन में नया आ जाएगा। और इस समय तो दिवाली का सीज़न आ रहा है, तो इतना जो कहते हैं ना आइटम, इतना आइटम आया हुआ था, नया नया आइटम था कि हम अपने घर को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, सुंदर सा बना सकते हैं, ब्यूटीफुल सा दिखा सकते हैं। इस तरह से जैसे किचन का हुआ, बाथरूम का हुआ, और अपने आंगन का हुआ, चौक का हुआ, बालकनी का हुआ, तो काफ़ी सारा सामान था। और ये था, इसे से तो शायद मेरे हिसाब से गाड़ी की सीट भी साफ़ कर ली जाती हैं। और मैं तो इसे अपने बेड के लिए देख रही थी कि बेड के साफ़ करने के लिए, तो शानू कहने लगा, मम्मी इसके तार जो है ना अभी लूज हैं, इसे मत लो और अच्छा आएगा। और ये इतना बस 2-3 ही पीस थे, बाकी सब निकल गए थे, बिक गए थे मतलब। और वो भी भैया कह रहे थे कि अभी बहन जी 2-3 दिन में सामान अभी और आने वाला है, आप उनमें से देख लेना। तो इस वजह से मैंने ये नहीं लिया था, और जो लेना था वो मैं सब सामान ले चुकी थी, लेके मैंने वहीं स्टोर में ही रखवा दिया था। और फिर मैं आ गई थी अपना ग्रोसरी आइटम लेने के लिए, जिसके लिए मैं घर से निकली थी। तो वही मंथली राशन लेना था मुझे, तो बस यहाँ पे आ गई हूँ। और ये है मोर, मोर में से मैं ही हमेशा ये सामान लेके जाती हूँ, जैसे मैं आप लोगों के साथ में शेयर भी करती रहती हूँ कि मैं पूरे महीने का राशन यहीं से लेके जाती हूँ। जो नहीं होता है उसके लिए तो देखिए कुछ कह नहीं सकते, लेकिन जो होता है ना सब लेके जाती हूँ। और मेरे यहाँ पे एक पर्ची बनी रहती है, जिससे कि मुझे बिल्कुल भी टेंशन नहीं रहती है कि मुझे क्या खरीदना है क्या नहीं खरीदना। बस मैं अपना एक बजट बना के चलती हूँ और एक लिस्ट बना के चलती हूँ, उसी में ही मुझे सारा सामान लेना होता है और पूरे महीने का राशन मुझे इसी में ही निकालना होता है। तो बस यहाँ पे मैं वही लेने के लिए आई थी। पहले चारों तरफ को जांच पड़ताल करी है, एक एक चीज को देख लिया है कि क्या चीज़ मेरे घर के मतलब की है, क्या चीज़ हम ले सकते हैं और क्या नहीं ले सकते। तो एक राउंड जरूर लगाना चाहिए, पहले सामान लेने से पहले एक राउंड लगा के ये देख लेना चाहिए कौन सा सामान कहाँ रखा है और क्या हमें जरूरत है और क्या चीज की जरूरत नहीं है। तो बस वही चीज देखने के लिए मैंने एक राउंड लगा चुकी थी। अब मैंने शानू से कही है कि बास्केट लेकर आओ और अब लेते हुए चलेंगे सामान। तो देखिए, मैं हमेशा से इसी तरह से करती आई हूँ और यही मुझे सबसे इजी तरीका लगता भी है। होता क्या है ना कि ये लोग जगह जगह पे सामान चेंज करते रहते हैं,
तो फिर हम लोगों को पता नहीं लगता है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि लिस्ट में हमारे पास में लगा हुआ भी दिख रहता है वो सामान, और हमें इस जगह पे नहीं दिखाई देता है ना, तो फिर हमारा वो छूट जाता है। तो इसीलिए पहले मैं एक राउंड लगा लेती हूँ, और जो ये भैया होते हैं ना, इनसे पूछ के सारा सामान ले लेती हूँ। और उसके बाद में बिलिंग वगैरह कराने के बाद में, और बराबर के स्टोर से भी सामान खरीद लिया था, और लेने के बाद में आ गई अब मैं घर पे। तो घर पे आने के बाद में मैंने चाय वगैरह पी ली है, और चाय पीने के बाद में अभी मैं ये आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैं क्या लेकर आई थी। तो देखिए, ये 3 का सेट का कंटेनर आए हैं, और ये देखिए इसके ऐसे करके लॉक लग जाता है इस तरह से। तो ये मुझे काफी हैंडी लगे, काफी यूनिक भी लगे, और मुझे सबसे मेन बात था कि ये एक के ऊपर एक लग जाते हैं ना, तो इससे स्पेस भी कम लगेगा और लाइन से कहीं भी खड़े कर देंगे। तो मतलब कहने का ये है कि हमारा सामने से सामान भी दिखेगा और जगह भी कम घेरेंगे। तो मुझे ये काफी अच्छा लगा, तो मैं 2 सेट लेकर आई थी। और इसमें कलर 3 तरह के थे, एक रेड कलर था, एक पैरट ग्रीन था, और एक ये ब्लू कलर का था। और मेरा भी पैरट बोल रहा है टह टह करके, और अगर आप लोगों को आवाज भी आ रही होगी तो आप भी उनकी बातें सुनिए। जब भी मैं वॉइस ओवर करूंगी ना, और मैं बोलूंगी और वो ना बोले, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो वो भी बोल रहा था बराबर। तो इसी तरह से हमारे घर में चेंचे चेंचे चलती रहती है सारे दिन। और यहाँ से आज जो मैं ग्रोसरी का आइटम लेकर आई थी ना, इन्हें सबको भी निकाल के अब इनकी सब जगह पे लगाना भी होता है। एक ला के रखना ही बस हमारा लास्ट प्रोसीजर नहीं होता है, इसको ला के जगह पे रखना भी एक काम होता है। और सबसे मेन बात, जो हमारे पास पुराना आइटम रखा रहता है उसको पहले बाहर निकालना, फिर नया आइटम रखना, तो ये एक टाइम प्रोसीजर वाला काम होता है। और इस समय पे मेरे पास काफी समय था, क्योंकि अभी ज्यादा से ज्यादा 5-5:30 बजे का समय है। तो मैं गई थी 4 बजे के लमसम में, तो इसीलिए 1-1.5 घंटे में मैं वापिस भी आ गई हूँ, और अभी मेरे पास टाइम भी काफी है। तो बस मैं यहाँ पे अपना सारा सामान जितना भी है एक बार निकाल के अच्छे से चेक करके, और फिर लगा दूंगी उसकी जगह पे। तो जितना भी पुराना आइटम होगा ना, उसको मैं निकाल लूंगी, और वो मेरे अब की मंथली में काम आ जाएगा। और जो खत्म हो गया है उसको मैं उसकी जगह पे रख दूंगी। तो इस तरह से मेरा महीने का शेड्यूल चलता रहता है। और अब की बार ना मुझे वो वाला इजी अभी मिला नहीं था, तो ये टाइड पे ऑफर चल रहा था, तो टाइड को लेकर आई हूँ, क्योंकि मैं तो हाथ से ही ज्यादातर कपड़े धोती हूँ। तो भैया कह रहे थे कि आपके लिए ये बेस्ट है, और ये भी लिक्विड में ही है, और मुझे लिक्विड वाला जो सर्फ है ना, सोप जो है, वो काफी पसंद आया, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। सबसे मेन बात, एक तो उसमें जो पाउडर होता है ना, सर्फ पाउडर, उसका जो सफेद सफेद सा व्हाइट व्हाइट सा कपड़ों पर रह जाता है, वो नहीं रहता है इसमें। और दूसरी बात, बस डालो और कपड़े भिगोने के लिए रख दो, और कपड़े झटपट साफ हो जाते हैं। तो सबसे बढ़िया मुझे यही लगा। मशीन में तो देखिए है ही ये बढ़िया, लेकिन हाथ के लिए भी बढ़िया है। और दूसरी बात, हाथ इससे ना रूखे रूखे से नहीं होते हैं, जैसे सर्फ से हम साबुन लगा के कपड़े धोते हैं, तो एक हाथों पे की नरमाई सी चली जाती है ना, टाइट से हो जाती है स्किन हमारी, वो इससे कुछ भी नहीं होता है। इसीलिए मुझे सबसे ज्यादा बेस्ट यही लगता है। और बाकी तो घर का जो भी सामान था वो सब लेकर आई हूँ। महीने की शुरुआत हो गई है और त्योहारों की शुरुआत भी हो गई है, तो बस यहाँ पे मैं नमकीन वगैरह लेकर आई हूँ, बिस्किट भी काफी सारे लेकर आई हूँ। अभी फिलहाल ना वहाँ पे ऑफर भी चल रहा है, और गिफ्ट भी काफी सारे आए हुए हैं, तो जिस किसी को भी लेना हो वो ले सकते हैं। मोर में इस टाइम पे बहुत अच्छी सेल भी चल रही है, तो बस मैं भी अपने घर के लिए जो जो जरूरत का सामान था वो सारा ही ले आई हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग वीडियो अच्छा लगता है ना, तो एक लाइक, एक कॉमेंट, एक जरूर किया कीजिए। और जो मेरे चैनल पे नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, और जो वो नोटिफिकेशन वाला बेल आइकन आता है ना, उसको भी जरूर प्रेस कर लें, आप तक मेरी रोज वीडियो पहुंचेंगी। तो बस फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं सारा ही सामान निकाल रही हूँ, और बातें कर रही हूँ शानू से और यश से। दोनों ही बच्चे मेरे पास में हैं, एक लेफ्ट साइड में है, एक राइट साइड में मेरे बैठा है, तो दोनों ही बैठे हुए हैं, और मैं दोनों से बातें करते हुए उनकी मदद से मैंने सारा सामान जितने भी थैले में लेकर आई थी ना, सारा ही सामान मैंने लगा लिया था। और देखिए, थैला मैं अपने घर से ही लेके जाती हूँ हमेशा से, मार्केट का कैरी बैग मैं नहीं खरीदती, क्योंकि देखिए फालतू में वो पैसे चले जाएंगे और फिर वो फेंकने के मतलब का रह जाता है, कोई इस्तेमाल के मतलब का वो नहीं रहता। तो इसीलिए ये मैंने बड़े बड़े बैग घर में ही सिले हुए हैं, तो ये काफी मजबूत भी रहते हैं और काफी काम के भी रहते हैं। और बस उसके बाद में मैंने
खाने वगैरह से का काम किया और बच्चों को खाना खिला दिया। बच्चों ने खाना खा लिया था, साहब अभी आए नहीं है, थोड़ा सा समय बचा था मेरे पास तो सोचा चलो कटिंग ही कर लेती हूँ, क्योंकि देखिए समय अगर मेरे पास थोड़ा सा भी रहता है ना तो मैं अपना काम में लगी रहती हूँ। पहली बात तो करने वाली अकेली, दूसरी बात ये है कि मुझे अपने आप को बिजी रखना सबसे ज़्यादा पसंद है। मैं नहीं चाहती कि मैं टाइम बर्बाद करके बैठ के या उठ के टाइम बर्बाद करूँ, मैं इस तरह का बिल्कुल नहीं चाहती हूँ। तो त्योहारों का समय जैसे आप लोग जानते हैं नज़दीकी नज़दीक आता जा रहा है, एक त्यौहार हो भी चुका है और दूसरा आने वाला है, फिर लगातार त्यौहार ही त्यौहार हैं। तो मैंने कुछ साड़ियाँ खरीदी थी और कुछ साड़ियाँ मेरे पास पुरानी भी रखी हुई थी, लेकिन हुआ क्या था ना कि मैं उनके ब्लाउज वगैरह नहीं सिल पाई थी, ना उनको तैयार कर पाई थी, क्योंकि आप लोग जैसे जानते ही हैं कि बीच के दिनों में मेरा काफ़ी बैक पेन रहा है, तो इस चक्कर में ना मुझे सिलाई करने के लिए बिल्कुल मना कर दिया गया था। अब सिलाई करने के लिए मना तो कर दिया गया था, लेकिन मैं मार्केट्स में भी नहीं सिलवाती हूँ, कभी एक रेयर चांस हो जाए उसके लिए मैं कहती नहीं हूँ, नहीं तो मैं खुद ही अपने कपड़े खुद सिलना पसंद करती हूँ। और ये अब से बात नहीं है, ये काफ़ी सालों पुरानी बात चलती आ रही है, मैं मार्केट में कपड़े नहीं सिलवाती हूँ टेलर से, मैं खुद ही कपड़े अपने सिलती हूँ सारे। तो बस अब थोड़ा थोड़ा आराम लगने लगा है, और वैसे भी स्टूल पे रख के मुझे बैठना था और कटिंग तो मैं बेड पे कर लेती हूँ बैठ के, और मुझे काफ़ी इजी भी रहता है। और बस मैं यहाँ पे फोर टक वाला ही ब्लाउज बना रही हूँ, तो उसी का ही अभी अस्तर रखा हुआ है और उसी की कटिंग कर ले रही हूँ। तो कटिंग करके रखने का मतलब ये हो जाता है कि सिर्फ बस अब हमें जो ऊपर का पीस होता है, जो ब्लाउज पीस होता है, उसको रखना है और जॉइंट करके बस हमें सिलाई करके चलना है। तो सबसे शांति का काम जो होता है ना, वो सबसे मेन होता है कटिंग करने का। और कटिंग अच्छे से हो गई ना एक बार, तो समझ लीजिए आपकी फिटिंग बिल्कुल एकदम परफेक्ट आएगी। तो ये समय ऐसा है कि इसमें बच्चे भी पढ़ाई कर रहे हैं दोनों, साहब भी नहीं है, और रात का समय है, बिल्कुल शांति हो रही है। तो ये समय मुझे सबसे बेस्ट लगता है, शांति से अपना जो ये जो हमारे सिलाई का काम होता है ना, कि बिल्कुल एकदम शांति प्रिय होता है, कि बिल्कुल इंच बाई इंच नाप लेके तभी हमें कटिंग करनी पड़ती है। तो ये समय मुझे सबसे परफेक्ट लगता है, और हमेशा से ही मैं इस रात के ही समय पे कटिंग करती हूँ, ताकि बच्चे जब छोटे छोटे थे ना, तब भी बच्चे सो जाते थे, उसके बाद ही मैं ऐसा काम करती थी उनको सुलाने के बाद में, और बस उसके बाद में तो साहब आ गए थे, मैं अधभर में ही रह गई थी कटिंग करते में, और साहब आ गए थे, तुरंत मैंने बंद कर दिया था मोबाइल अपना, और जो कटिंग वगैरह का काम कर रही थी वो भी मैंने बंद कर दिया था, और मैंने फिर खाना वगैरह खिलाया उनको, और मैंने भी खाना खाया, और फिर हम लोग सो गए। सोने के बाद में अब ये हुआ है सुबह का समय, तो आप सभी को वेरी गुड मॉर्निंग। और यहाँ चल रही है मिट्ठुओं की धुलाई, मतलब आज उन्हें नहलाया गया है, और छत पे तो लेके गए थे, लेकिन वहां ना थोड़े वैसे बंदर वगैरह तो नहीं आते हैं, लेकिन कौवे आ जाते हैं, तो वो चोंच मारते हैं इसीलिए, और ये बच्चे हैं अभी छोटे छोटे से, तो कहीं इनके चोट वोट ना लग जाए, इसीलिए हम इन्हें नीचे उतार लाए। और लाने के बाद में इसके देखिए अभी तक पर आए नहीं है, और जब इसी ने ही अपने आप को बहुत बुरी तरह से घायल किया था, और देखो जब इसको नहलाया गया है ना, तो भी ये आराम से इसकी स्किन दिखाई दे रही है। ट्यूब तो लगा देते हैं वर्मा जी, लेकिन अभी तक इसके बाल पूरी तरह से आए नहीं है। तो यहाँ पे यशु ड्रायर कर रहा है इन्हें, क्योंकि धुंधला धुंधला सा बाहर मौसम हो रहा है, अच्छे से धूप आ नहीं रही थी निकल के, और प्रदूषण भी काफी हो रहा है बाहर, तो इसी वजह से वो नटगट है ना हमारा यशु थोड़ा, तो इसीलिए ड्रायर लेके बैठा हुआ है, और ड्रायर से इन्हें सुखाने में लग रहा है। तो फ्रेंड्स इसी तरह से हमारे घर में काम चलता रहता है, और बच्चे भी हैं दो छोटे छोटे, तो इन्हीं से खेलने में लगे रहते हैं, और देखिए कितने अच्छे से घूम घूम के चारों तरफ को सुखा रहे हैं ये अपने आप को, और देखिए पर खोल खोल के भी खूब अच्छे से सुखा रहे हैं। तो इसी तरह से ना ये दोनों मिट्ठू है ना अपने आप को सुखा ले गए थे, और यशु ने इन्हें काफी दूर से, इनको जो ये हीट आ रही है गर्म, काफी दूर से करके दिखा रहा है, ताकि अच्छे से सूख भी जाएंगे, और बीच बीच में इन्हें भूख भी लग रही थी, तो ये अपना खाना भी खाते जा रहे थे। तो चलिए फ्रेंड इसी के साथ लूंगी आप लोगों से इजाजत, फिर मिलूंगी एक नए इंटरेस्टिंग व्लॉग वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय। और देखिए व्लॉग पसंद आए ना
लाइक शेयर एंड कॉमेंट।